Assalamualaikum. Welcome to PFFP Kitchen. Vegetable, rice, ingredients, gajar, barik kate hue 2 adad, shimla mirch barik kate hue 2 adad, bandh gobi, chote size ki barik kate hue 1 adad, hari mirchi barik kate hue 6 adad, mushroom cutting 1 adad, sweet corn takriban 2 cup, namak hasbe zaika, kuti hui lal mirch hasbe zaika, chicken kanol cube तकरीबन एक टप्पी, लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 टीस्पून, चावल आपके 1 से 1.5 गिलास। तरीका, सबसे पहले आप कोई भी चावल यूज कर सकते हैं, कच्ची बासमती या पकी बासमती, जो भी अवेलेबल हो। अच्छी तरह से उसको धो लीजिए और आधे घंटे के लिए भिगो दीजिए। फिर आपने अपने चावल को बॉयल कर लेना है। बॉयल करते वक्त आपने 2 चम्मच नमक, 2 चम्मच ऑयल और लेमन स्क्वीज करके उसमें डाल देना है। इससे आपके चावल टूटेंगे नहीं और पतले नहीं होंगे। जब आपके चावल बॉयल हो जाए, याद रखें हमें इसमें एक कनी कच्ची रखनी है, उनको स्ट्रेनर में डाल के, यानी कि जो आपकी छलनी है चावलों वाली, उसमें डाल के पानी सारा एहतियात से निकाल दीजिए। दूसरी जानब आपने कोई भी कढ़ाई लीजिए या किसी भी खुले बर्तन में आपने 2 बड़े चम्मच घी के ऐड करने हैं, साथ ही साथ उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है और फिर उसके बाद गाजर ऐड कर देनी है। हल्की सी गाजर सोते हो जाए तो उसमें शिमला मिर्च, बंद गोभी, मशरूम और स्वीट कॉर्न डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। साथ ही साथ आप इसमें नमक, मिर्च, सोया सॉस ऐड करेंगे और चिकन कनोल क्यूब की 1 टप्पी भी ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। फिर आपने चावल लेंगे और इसको भी मसाले में अच्छे से मिक्स कर दीजिए और 2 से 4 चम्मच सोया सॉस डाल के इसको हल्की आंच पे दम दे दीजिए 5 मिनट के लिए और फिर आप इसको सर्व कीजिए। अपने वेजिटेबल राइस को आप डिफरेंट ग्रेवी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि चिकन मंचूरियन, चिकन पाइनएप्पल विद चेरी, 2 कॉकटेल विद चिलीज, चिकन चिली फ्राई। लीजिए, हमारे वेजिटेबल राइस तैयार है। उम्मीद है आपको हमारी ये झटपट रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। हमें अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। हमारा फेसबुक पेज है पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस एंड ब्लाइंडनेस ताकि जिंदगी बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ने